हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, मैं हूँ सलीम आफरीदी और आप देख रहे हैं हजरात। जी आप हजरात पे मुझे भी देखते हैं, मेरा नाम काशिफ खान है। मेरे बहाने आप इनको देखते हैं और इनके बहाने मुझे देखते हैं। बिल्कुल, और हम दोनों मुझे बहाने देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कितना बहाते हैं। और नहीं, कुछ नुकते नीचे होते, कुछ ऊपर भी होते हैं सलीम भाई। बस नुकते की बात है, महरम से मुजरिम हो गए। क्या बात है, लेकिन नुकता ची होना भी बड़ी बात होती है। नुकता लगाने से ची नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन मेरा जो बात करने का मकसद ये था कि मोबाइल में आपने कहा कि मोबाइल यादें महफूज रखने का जरिया है। बिल्कुल है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो कैमरा है ना, दर हकीकत वो यादें महफूज रखता है। बिल्कुल सही बात है। उससे आज लेकर ट्रेंड हो गया और तस्वीरें खींचने के, लेकिन आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, जो फोटोग्राफर जो होता है ना, जो वो जी वो जो पिक्चर्स बनाता है उसकी क्या बात। पहले हमारे फोटोग्राफर होते थे, अब फोटोग्राफर। तो वैसे तो हर आदमी फोटो खींचने का माहिर हो गया, सेल्फी एक्सपर्ट, कैमरे ही आ गए। आप कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी कैमरा खुद एक्सपर्ट है, वो आपका मुंह खुद खींच के करीब ला के फोटो बना के घर चला जाएगा। लेकिन सलीम भाई होता ही है कि उस कैमरे को यूज़ करना और वो एंगल को कैप्चर करना जो होता है ना, हाँ, वो बड़ा कमाल की बात। समझते हैं ये फोटो खींच गया, ये आ गया, ठीक है, लेकिन उसके पिक्सल, उसका डिजाइन, कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, किसके हाथ का है और कौन सा एंगल किस बंदे का कैसे सही नजर आएगा और क्या जरूरत है और किस रिसाले को, किस मैगजीन को और किस मॉडल को किस किस चीज की जरूरत है, वो सब जानता है फोटो। और ये अच्छा काम करने वाले बहुत कम है पाकिस्तान में। एक आध तो है ना। अरे ऐसे वैसे, और वो जो है वो आज हमारे शो पे हैं। नहीं नहीं, तो जबरदस्त बुलाओ ताकि हम भी अपने फोटो के हीरो में शामिल हो जाए। जी तो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान के उस शख्सियत से के कहते हैं जिसको कैमरे का इस्तेमाल जो है वो उसके बाएं हाथ का खेल है, और जितने भी स्टार्स हैं ना वो सिर्फ उसके, वो क्या कहते हैं कि उसकी एक क्लिक के मोहताज हैं। और वो जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं उसका लेंस उनकी अपनी आंख में भी मौजूद होता है। क्या बात है जी, जौहर शनास और वो आंख रखने वाली वो शख्सियत जो कैमरे की आँख के पीछे होती है और कैमरे को, वो कहते हैं जी सर आप अच्छी से अच्छी नई से नई करने के माहिर होते हैं। इसी तरह जब नए मॉडल्स आते हैं तो उनको ब्रांड एम्बेसडर भी तो है। जी ब्रांड एम्बेसडर है निकॉन के, और दुनिया में से सिर्फ 32 लोग सिलेक्ट किए, और उनमें से हमारे ये पाकिस्तानी शख्सियत। आइए मिलवाते हैं आपको टप्पू जवेरी से। टप्पू जवेरी जी, तो आपको वालेकुम अस्सलाम, हम अपने इस शो में खुश आमदीद कहते हैं, और हमें लगा कोई ऐसी भारी भरकम शख्सियत और बस वो आकर वो कहते हैं कर दें, लेकिन आप तो बड़ी हम्बल सी शख्सियत है भाई। जैसे हूँ वैसे ही हूँ। आपकी जी क्या पर्सनैलिटी है, खूबसूरती है, आप तो बिल्कुल खुद मॉडल है भाई। अच्छा, अरे यही तो बोल रहा हूँ, मॉडल क्वालिटीज है, आप कान में गुंडा भी पहना हुआ है भाई। देखिए बात यह है कि मेरा ये ख्याल है, जो आप देख रहे हैं कैमरे की आंख होती है, एक उसके पीछे भी आंख होती है, एक माँ की आंख होती है जो बच्चे पे नजर रखती है, कहाँ जा रहा मेरा बच्चा, कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल वो वाली आंख होती है कि देखो शेर की निगाह से और खिलाओ, वो वाली आंख। तो सोना, हीरे, जवाहरात, जी इससे कुछ आपको कुछ याद नहीं है? वो मेरा काम है, मैं क्या फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस। तो आप बॉन्ड ज्वेलर हैं? जवेरी जो नाम है वो आता ही जौहरी से है, और कोई 400 साल पुराने ज्वेलर हैं पाकिस्तान के, आई थिंक सबसे पुराने ज्वेलर तो हमें। क्या बात, तो ये जवेरी अब बासनी है, रोड जवेरी नहीं, वो जवेरी है, वो अलग नाम है, होगी कुछ मालूम है, कुछ पता नहीं है भाई। लेकिन जो उन्होंने अपनी, आप ये देखिए, आप इस चीज़ पे गौर करें कि 400 ईयर्स से
इनका जो पूरा खानदान है वो इस शोबे से वाबस्ता है, उनमें से एक बच्चा जो है वो इस तरफ नहीं चला नहीं गया। अच्छा। दुकान तो अभी भी मैं चलाता हूँ। अच्छा, जेवर बनाता हूँ, दुकान चलाता हूँ, बट छोड़ा ये अपनी जगह। बिल्कुल, तो शौक क्या है, ये है या शौक? दोनों है, दोनों क्रिएटिव फील्ड हैं, और दोनों में आप कुछ अगर बनाना चाहें तो फौरी तौर पे आपको नज़र आता है। जेवर में थोड़ा टाइम लेता है, तस्वीर आजकल डिजिटल की वजह से इमीडिएटली नज़र आ जाती है, मज़ीद अच्छी होती है। पहले कितने मुश्किल होता है तस्वीर, एक तो बनवाना ही नहीं आता था आदमियों को, है पूरी ज़िंदगी में दो तीन ही तस्वीर बनवाई है उसने पिछले दौर वाले लोगों, उनको बनाने नहीं आती थी, वो एकदम डांट के रखता था फोटोग्राफर, वो कपड़ा पड़ा हुआ था कैमरे में हाथ डाल के, तस्वीर नहीं, ऐसा लगता है कलेजा खींच के लेकर आ रहा है। लेकिन सलीम भाई वो भी दौर था, मतलब बजाय तो ये फनी थिंग लग रहा है आप, वो भी काम, क्या काम होता होगा आप सोचो। वाह वाह वाह, वो तो मैंने देखा है, देखा है बिल्कुल। तो कैमरा क्या अलग ही चीज़, कैमरे की खूबसूरती है या आपकी हाथ की सफाई है? दोनों होता है, कैमरे के अगर कैमरे की टेक्नोलॉजी होती है, और जैसे अगर आप घास काट रहे हैं सही तरीके से काट सकते हैं, बुरे तरीके से काट सकते हैं, आपकी मशीन के हमारे वो नहीं है, मैंने वो है कि अगर अच्छी मशीन तो अच्छा काम करेगी, अगर आप टेढ़ी लाइनें बनाते हैं तो आप पकाने खड़े हो किसी को और किसी एक्सपर्ट से पकवा लें तो सब चीज़ें वही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है आई थिंक वो जरा ज़्यादा मायने रखता है। बावर्ची वाली मिसाल माशाल्लाह। तुम मुझे काशिफ, तुमने भी कोई कैमरा रखा हुआ? हाँ, कुछ इस तरह के छोटे मोटे होते हैं ना, हर इंसान को शौक होता है। क्या रखा था? तो मैंने भी वो निकॉन का कैमरा मैन को रखा था 380 आई थिंक, DSLR का बड़ा था, मुझे DSLR ही होता है। आजकल डिजिटल का आ गया ना, तो डी आ गया वो डिजिटल, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है। और आपको पता है कि जब कोई कंपनी जो है नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो आई थिंक उनका कोई ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं या? बिल्कुल, क्या था कि उन्होंने दुनिया से 32 फोटोग्राफर को जमा किया था, उनको तो पाकिस्तान से आप एक ही थे? मैं पाकिस्तान से आए था। हिंदुस्तान से कितने थे? हिंदुस्तान से दो थे जी, और फिर साउथ अमेरिका से भी थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, कुवैत से एक था, हमें वहाँ टोक्यो ले। तो सब समझ रहे हो गोरा आ गया, गोरे भी आपको गोरा समझते होंगे? नहीं, गोरे गोरे हैं, मुझे क्या समझेंगे, अपना समझेंगे। बट हम टोक्यो गए और टोक्यो में हमें वो फैक्ट्री दिखाई, उन्होंने कैमरा दिलाया, फिर उसके अलावा हमें उधर रोज शूट किया, कोई तीन तीन शूट किए रोज, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। टेस्टिंग आपकी थी या कैमरे की थी जो आपने? दोनों थी, दोनों की थी, बिकॉज हम जितने भी थे फोटोग्राफर्स आए थे तो सीनियर फोटोग्राफर्स के छोटे होते हैं, और हमें अकेले लेके गए हैं, हमारे छोटे नहीं आए। तो एक बस में बैठे थे तो एक ऑस्ट्रेलियन वाले ने मुझे बोला कि भाई मैंने कुछ सालों से अपनी लाइटिंग बोला नहीं, हमने भी नहीं फल सब भाई, तो ये क्या हुआ कि भाई बंदगी हुई, तो उन्होंने मैं जब उनकी उनका शूट हो रहा था तो मैं लाइट रिफ्लेक्टर पकड़ रहा था और ऐसे सब कर रहे थे, तो बस बहुत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बोला हम तो पाकिस्तान में सारे काम खुद ही करते हैं। मैं तो बेचारा, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, बट फिर भी बाकियों के पास असिस्टेंट है। तो लाइटिंग का भी रोल होता है क्या जी फोटो में? लाइटिंग ही के तो काम होता है सारा। नहीं, लाइटिंग तो सारा फोटोग्राफी सिर्फ लाइटिंग का काम है और कुछ नहीं है। कभी ऐसा होता होगा बहुत अहम शूट चल रही है और लाइट चली गई? बहुत बार हुआ, ये हम पाकिस्तान के हैं। आपको टाइमिंग पता होगी लाइट। एक बार मैं फरीदा खानम का शूट कर रहा था और वो लाहौर में थे उनके घर में, और मैंने सारी अपनी लाइटें सेट कर ली, और फिर क्या हुआ कि वो लोड शेडिंग जिंदाबाद हो गई, तो हमारा सब काम रुक गया। तो उनका उनका बड़ा पुराना खूबसूरत सा पुराना मकान है, जिसके बाद बड़ा एक जंगल टाइप का कोई बगीचा है, जिसमें वो मैंने उनको बोला कि चलें बाहर चलते हैं, तो बगीचे में फिर उनका शूट। वो लाइट के बाद इतने पसीने वसीने हुए और ये वो मेकअप सारा उतर गया होगा, फरीदा खानम फरीद खालू नहीं नहीं जबरदस्त। जो जिस लेवल पे आपने जाके काम किया जी जी, उस लेवल की लोग ख्वाहिश करते हैं। वाह,
अब आप देखिए ना, फरीदा खानम जी का आप शूट कर रहे हैं, बहुत से लोग जो उनके फैंस हैं, जो कहते हैं ना क्लास है, मैं भी उनका फैन, क्या बल्कि शूट के दरमियान मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला कि मैं, आप बस ये गाना गा, मैं तस्वीरें ले लूँगा, आप गाते रहे, वो गाती रही, गाती रही, शाम भी हो गया, उसने फिर उन्होंने ये बोला कि आपका कैसा कैमरा है, ये तो अंधेरा है, आपने जैसे कैमरे में फिल्म बहुत पहले खत्म हो गई, आपका गाना सुना जबरदस्त। तो कितने साल गुजारे फिल्म में? फोटोग्राफी तो मैंने 9 साल की उम्र में शुरू की, माशाल्लाह, और मैं अभी थोड़ा जवान हूँ, आप हैं जवान, आप 90 साल तक जवान रहेंगे जो आपके पास बेल निकली। ये बताइए, तुर्किश ड्रामों में काम कब छोड़ा आपको? मैंने सन 1947 में छोड़ा था। अच्छा, किन्होंने 47 में छोड़ा? बहुत लंबी छोड़ी। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और फिर उसके बाद हम इनसे, इनके शोबे से रिलेटेड, प्लस ये कि शोबिज के दोस्तों में, लड़कियों में, ख्वातीन में भी ये बड़े खासे मकबूल रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं हाल अहवाल की शूट करते वक्त आपको खुद को कितने पसीने आते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लड़कियां तो बड़ी मरती होंगी आप तो, यही सुनो ना, क्या करें, लाशों पे चलना पड़ता। किसी को आई लव यू का? माँ को बहुत बार किया है। क्या बात, माँ बहनों पे आ जाते हैं लोग, जब भी ज़ाती किरदार की बात होगी ना। वेलकम बैक इन हज़रात, और टप्पू जवेरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और क्या पर्सनैलिटी है, और क्या तुर्किश ड्रामे याद आ रहे हैं, और उसका कोई कैरेक्टर लग रहा है भाई। आपकी भी ऐसे एंगल से फोटोग्राफी करेंगे कि आप किसी को यकीन नहीं आएगा कि आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। आप मशकूर और ममनून हो जाएंगे इनके। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वैसे ही आपकी महफिल में बैठ के दो चांद चमक रहे हैं, है ना, दो चांद चमक रहे हैं, आपके ऊपर भी वो रिफ्लेक्शन आए, सूरज की तो आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे ख्याल में, क्या कहते हैं ना। नहीं तो ऐसा हुआ, लड़कियां तो बड़ी मरती होंगी आप, यही सुनो ना, क्या करें, लाशों पे चलना पड़ता। क्या करें, लाशों पे चलना पड़ता। वाह वाह, तो ये जाति का है जो इतनी मर मरी जाती है, कोई डंपिंग एरिया है इनका, मशहूर हो जाती है बड़े बड़े मॉडल। कितनी दोस्त होगी आपकी कुल मिला के? बोले तो कैलकुलेटर, 4-5 दोस्त हैं छोटे। अच्छा, शादी? शादी नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कह रहे नहीं करी। इमरान खान भी नहीं कर रहा, जरूरत क्या है, सही बात है, मेरे का 4-5 दोस्त हैं, तो कर भी नहीं सकता। यूँ कह रहे 4-5 दोस्त हैं। हाँ, 4-5 कम है, 4-5 तो होने चाहिए ना। हो सकता है कि इतनी चूजी हो वो, किसी को 4-5 हज़ार में से किसी को आई लव यू का? अपनी माँ को बहुत बार किया है। क्या बात, माँ बहनों पे आ जाते हैं लोग, जब भी ज़ाती किरदार की बात होती है ना घर वाले। देखिए हकीकत ये है कि जो लव माँ के साथ होता है ना यार, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं, माँ को क्या जरूरत है आई लव यू कहने की, माँ तो माँ है बस। हर भाई हो सकते कभी बच्चे को जरूरत हो, क्योंकि तो बच्चा कहता है ना भाई, नखरे वखरे दिखा देता है, लिखना खतवात का दौर नहीं है आजकल, तो अच्छा हो गया व्हाट्सएप कर दिया, तो खत का तो दौर है अभी भी, यही है खत का दौर, ये जरा खत बना दे। नहीं वो तो वाला है ना, वो जो लिख के आप बातें करते हैं, चैट करते हैं, मैसेजेस, तो नहीं बहरहाल मकसद, लड़कियों ने कितनों ने अब तक आई लव यू कह दिया होगा आपको? ये मैंने गिनती नहीं, ठीक है, कहते हैं कि दोस्त वो नहीं है जो जरूरत के वक्त डैश दिखा दे। दोस्त नहीं, मुझे सिखाया गया है कि एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम समवन एंड दे विल नेवर डिसअपॉइंट। क्या बात, वाह वाह, ना किसी से तवक्कुल रखो, कुछ ना ना दिल पे लगेगी, वाह वाह, रात सोने से पहले डैश करता हूं, रात पहले मैं अपना नमाज पढ़ के तक सो जाता हूं। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नूर नमाज का है, हम समझे नहीं, ये झूठ, ये सॉरी, ये नूर सच का भी है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि सच का देखिए जो ठहराव है ना शख्सियत में, ये पॉजिटिविटी की वजह से है। तो चलते ब्रेक की तरफ, और अगला सेगमेंट जो है, यकीनन ये सेगमेंट तो इन्होंने पास कर लिया, लेकिन जिस कदर सादगी इनमें है, वाह वाह, और हुस्न ही हुस्न है,
اندر بھی باہر بھی دیکھنے سامنے والے میں بھی حسن دیکھتے ہیں آپ, تو کتنا نور ہے آپ میں بھرا ہوا. یہ پوزیٹیویٹی ہے, کیا ہوتا ہے کہ کریٹیویٹی اور ساتھ میں پوزیٹیویٹی ہو تو پھر انسان کے معاملہ دو چند ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, ہے نا, شیر پہ سوا شیر ہو جاتا ہے, چوپڑی اور دو دو والا حساب. کاشف کی انہیں مثالوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد آئیں گے تو جو اگلا ہوگا اس میں یہ کیا صدمات سہتے سادے سے آدمی ہے, یقیناً وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے حضرات. سر ابھی آپ کو ہم نے پھنسانا ہے, جتنی خوبصورت ہے پپو جویری, تھوڑا سا ہم نے پھنسانا ہے, جتنی خوبصورت ہے پپو جویری. ویسے آپ سوچیں کہ گریس کتنا ہے شخصیت میں, یہی اگر آپ تھوڑا سا لڑکپن میں چلے جائیں تو کتنا کیا ہوتا ہوگا اس زمانے میں. اس کو تو ایکٹنگ کے بہت آفر ملے مجھے, ہاں مجھے راہ چلتے ہوئے بھی مل جاتے ہوں گے آپ کو. نہیں جب آنٹیاں تو نہیں چھوڑتے ہوں گے. تو انڈیا بھی گیا, انڈیا میں مجھے جیکی شراف نے آفر کی تھی, ان کی کوئی مووی بن رہی تھی, ایکٹنگ کرنی پڑے تو کرنی پڑے گی. اچھا میرے ساتھ بھی ہم جب ممبئی گئے جانے وہاں شوز وغیرہ کیے ہم نے, تو وہ جو لوکل لوگ ہوتے تھے نا وہاں پر, تو وہ مجھے کہتے یار آپ تو فارنر لگتے ہیں شکل سے, تو میں نے کہا میں ہوں ہی فارنر پاکستان سے. اب تو آپ کو تو اور کارنر میں لگا کے بڑھ کے آفر آتی ہے. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے فل ان دا کان, فل ان دا کان, پتہ نہیں بھائی تو اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیتے ہیں بھائی. تو اس میں ہم یہ مائنڈ سیگمنٹ ہے بیسیکلی, تو وہ جو ہمارا سنک ہے اس کو آپ نے گیس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ورڈز بڑے ریگولر سے ہوں گے, آپ کو وہ نلی نہاری بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتے ہیں ہم آپ سے پوچھیں بچپن کا نو لکھا کراچی کس ایریے میں, کراچی میں بھی تو ہل پارک, ہل پارک, ہل پارک جی, ہل پارک میں بندہ جائے تو ہلتے ہی رہتا ہے وہ. جی جی بالکل, اور کچھ تو اس کے انوائرمنٹ سے پہلے ہلے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. تھینک یو جی, ہوا بھی بہت چلتی ہے وہاں تو. جی جی, ارے زبردست, نو لکھا ہار, نو لکھا ارے ہار, ہار گڈ. یار تم نے تو ان سے شعبے سے ریلیٹڈ ضروری ہے نا بھائی, جو جس فیلڈ میں وہی بندہ پوچھے نا. نہیں وہ تو پہچان لے گا, اب میری طرح پوچھو. پوچھے جھاڑو کا تنکا, آلو کا کچھ, آلو کا جھاڑو کا تنکا, جھاڑو کا تنکا, توبہ ہے یار یہ کیا ہوا بھائی. بھائی یہ فیس پہچانتے ہیں. اور میری باری ہے, پیٹرول پمپ, مینگو, پیٹرول پمپ, پیٹرول پمپ, مینگو کا کچھ تھا, مینگو کا پلپ نہیں ہے کا پمپ, پیٹرول پمپ, پیٹرول پمپ, پمپ تو ٹھیک ہے, پیٹرول, پیٹرول پمپ کس چیز کا ہوتا ہے, پیٹرول پمپ. یہ مجھے نہیں آیا. جلا ہوا پکوڑا, جلا ہوا پکوڑا, چھلا ہوا, چھلا جلا ہوا, سیلا ہوا, جلا ہوا, جلا ہوا, جلا ہوا پکوڑا, پکوڑا تو میں آگے نہیں سمجھ, پہلے نہیں سمجھ آیا, جلا ہوا, ٹھیک ہے تلا ہوا سمجھ لیا, پکوڑا تلا ہوا, جلا ہوا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ گیم ختم ہو گیا. نہیں نہیں ابھی ہے دو بات, میں پوچھوں. سرسوں کا تیل, سرسوں کا تیل, سرسوں کا تیل, تیل تیل, ہاں تیل, تیل, چوٹ پٹی, دودھ پتی, چوٹ, چوٹ پٹی, چوٹ پٹی, کیا تھا چوٹ پٹی, چوٹ پٹی لگا دے نا بینڈی. نہیں نہیں وہ تو وہ ہوتی ہے چوٹ سجی ہوتی ہے, آمبا ہلدی چوٹ سجی, وہ جو آتا ہے نا الگ الگ زخم, چوٹ پٹی لگا دے. ہاں چلو کچھ اور کر لیں, وہ تو بہت ہی دیسی لک ہوں گے, بالکل دیسی کر. ہاں کچھ اور, اور اور ایک اور, ایک اور بام ہے, بام تو سمجھ میں آ جائے گا, بام, پام, پام, آیوڈیکس, ہاں نہیں تو برانڈ کا نیم. اچھا میری باری ہے, میری باری ہے. اچھا
मटन बिरयानी, मटन बिरयानी, पत्थर मटन बिरयानी, बिर या मटन बिरयानी तो समझ आ गया, उससे पहले मटर मटन मटन मटन। लाइट स्टैंड उनकी शो में सब बता लेंगे ना, लाइट स्टैंड। ये भैरों का खेल है, अब ये आप ही सुने। तौबा है, तौबा है। ज्यादा लाइट स्टैंड। चलिए जी भाई, जबरदस्त। ये अच्छा खासा भूल लिया आप, नहीं प्रॉपर आए आप, ऐसा इतना अच्छा नहीं आता कोई। कभी ऐसा हुआ खाली होठों की पिटी हो? नहीं, कोई लिपस्टिक वगैरह के लिए भी कोई कोई ब्रांड के लिए कुछ क्लिक किया? लिपस्टिक ब्रांड का नहीं है, कोई लिपस्टिक। इंसान के चेहरे की खूबसूरती कौन सा जिस्म का ये चेहरे का हिस्सा है उससे खूबसूरती? अगर वो बेस्ट, हर इंसान का अपना अपनी होती है फीचर। किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी की नाक अच्छा होता है, किसी होठ, कभी तीनों अच्छे हैं तो फिर तो सोने पे सवाल बन जाते हैं। पूरी बॉडी में से कोई भी चीज अच्छी हो सकती है, तो वो टप्पू हो जाते हैं। क्या बात, किधर जाते हैं? ब्रेक के पास, ब्रेक के बाद आके फिर हमारा जो आखिरी सेगमेंट है जी, और उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे तीखे से सवाल किए जाए जिससे मिजा का आंसर पैदा हो। क्या बात, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए हजरात। ऐसी तीन चीजों के नाम बताएं जो आप में जरूरी हो। पानी, वाह पानी, नहाने वाला या पीने वाला? पीने वाला। अच्छा, पीने वाला। एक टप्पू जवेरी हमारे साथ हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए, आपको खुशामद। और हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, और इसमें पहला सवाल यह है कि आप प्रोग्राम में एक जज के तौर पर भी काम कर चुके हैं, अगर आपको इन लोगों को जज करना हो तो क्या खसूसियात होंगी? अगर इन लोगों को जज करना हो, बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। गुड। वीना मलिक बहुत अच्छी बच्ची है, कह दिया मान लूंगा। ताहिर शाह भी बहुत ही अच्छा होगा। कौन? ताहिर शाह। ताहिर शाह गाने वाला जो है, आई टू आई वाला, बड़ा जबरदस्त। उसका आवाज कितनी मजे की है, और उसकी वीडियो उससे भी जबरदस्त है। अच्छा, वैसे ताहिर शाह का वीडियो बनाने का, वीडियो बनाए कुछ म्यूजिक वीडियोस की तरफ जाना है? वीडियोस की तरफ है ही नहीं, मूड नहीं था। कभी कोई पूछे तो, अभी तक किसी ने पूछा था बहुत पहले, बट वरना नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा, आप समझ लें कि कैमरा आपके हाथों में आकर होता है ना, जिस तरह महबूबा महबूब के हाथ में आकर पिघल जाती है, तो कैमरा भी जो है वो आपके इशारों पे चलता होगा, और आपने उसको जिस जिस तरह जो जो एंगल उससे कर, कभी ऐसा नहीं हुआ फिल्म बनाऊँ, कोई ड्रामा बनाऊँ कुछ ऐसा? कभी कभी होता है मूड, बट मेरी लाइफ में अगर आपको बताया ना कि इतने ज़्यादा काम है कि मैं उसमें रेडियो शो भी करते हैं, पता है? हाँ, रेडियो क्यों करते हैं, टीवी पे क्यों नहीं कोशिश की? टीवी पे किया तो था एक, मैंने आपको कहा बताया वो एक वो ट्रैवल शो जो किया था, उसके अलावा इनका भी आपने कहा तो वो भी किया है, तो वो सब। सॉरी, मैं सवाल वापस लेता हूँ और अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। ऐसी तीन चीजों के जो आपके बेडरूम में ज़रूरी है। पानी, वाह पानी, ये नहाने वाला या पीने वाला? पीने वाला। अच्छा, पीने वाला। और भी कोई पानी होता है? नहीं, पानी कई तरह होता है, नहाने वाला, पीने वाला, धोने वाला, बहाने वाला। अच्छा, अब आप पूछेंगे कहाँ कहाँ होने वाला, कमरे का वो तो गिर जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। एक टीवी भी होना चाहिए, टीवी बेडरूम में, टीवी और रिमोट कॉम्बिनेशन, या टीवी की जगह बीवी रख लो, बहुत ज़्यादा आप बोलें तो टीवी बीवी दोनों साथ आ जाएंगे। और बिस्तर, टीवी और पानी। अच्छा, वैसे ये जितने भी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं ये पानी ज़्यादा पीते हैं? नहीं, पानी सबसे बेहतर चीज़ है आपके लिए। अगर आपको, मैं अपने जितने भी मॉडल्स होते हैं उनकी स्किन ख़राब हो जाती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप एक उठते ही आप चार गिलास पानी पिए और दिन भर पानी पिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, सोने और हकीकत ही है, तो सोने के दौरान चार ही दफा उठना पड़ेगा। नहीं, वो तो सही, सोने से यानी उठने के बाद की बात हो रही है, यानी जिसको निहार मुंह कहते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। और वो जो आपकी जितनी भी वो क्या कहते हैं वो टॉक्स खारिज हो जाते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, कोई ऐसा काम जो आपको बहुत मुश्किल लगा लेकिन करना पड़ा?
ये जो हमारा कहका गुंजा, हालांकि हमें बुरा लगने वाली बात, लेकिन हमें तो और हमारा अपना बैकग्राउंड है और जो जिस शोबे से हम ताल्लुक रखते हैं, लोगों को मुश्किल ही लगता है, लेकिन बहुत आसानी से ये सारा मरहला तय कर जाते हैं। जिस तरह आप 90% तो कर चुके हैं, आखिरी 10% है शार्क के साथ, वो डाइविंग कर चुके हैं, आप सोचें तो हम क्या चीज़ है। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत चेहरा किसका है? शोबिज इंडस्ट्री हमारी थोड़ी डाइवर्स हो गई, टीवी का सेक्शन है और फिल्म में बाय फार रीमा और मीरा दोनों इतनी हसीन है अभी भी। जी बिल्कुल, अभी तक और टीवी एक्टर्स बड़े हैं, उनमें मावरा बहुत प्यारी हैं और एक हीरा के साथ मैंने काम किया, वो भी बहुत जबरदस्त। और रेडियो में मैं ही हूँ, सीन हो या ना सीन हो पड़ती नहीं पड़ता, चड्डा पहन के करना हो या ये बड़ी जबरदस्त कमाल करती है। अच्छा, अगर आपको एक आइलैंड पर मीरा के साथ एक महीना गुजारना पड़े तो क्या करेंगे? बहुत मजा आएंगे, मजा आएगा बहुत। जिस तरह मीरा आपका इंटरव्यू कर रही थी एक बार, नहीं मीरा जो है ना इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं तो बेहतर है, बट उर्दू में तो मेरी टांग तोड़ देंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं तीन नाम आपसे पूछूंगा, इनमें सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक कौन है ये ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़, रीमा, माहिरा खान या फिर साहिल लोधी? अच्छा, माहिरा फोटोजेनिक नहीं है, पर उनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है कि वो तस्वीरों में आ जाती है और वो बहुत ही जो उन्होंने करार रखा है टेक्निकली, जो मॉडल जो जीरो साइज में चल रही होती है, क्योंकि जो मेंटेन कर रही है रीमा बहुत खूबसूरत है। अगर आपको दो और साहिल लोधी बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ बनाता है, मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया है, तो ही इज़ पर्सनैलिटी, वही है कि पर्सनैलिटी जब आपकी इतनी बड़ी होती है ना तो तस्वीर में आ जाते अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी तस्वीर में फोटो खींच रहा, बिल्कुल वो भी अच्छे लगेंगे। कभी ऐसा हुआ के एक बड़ा असाइनमेंट मिला जी, लेकिन वो रिजल्ट्स जो हैं वो या तो मिस हो गए या प्रॉपर नहीं आए, कभी वो फिल्म वाले दौर में तो होता है। नाम बड़ा दर्शक होते हैं, वो तो बहुत बार हुआ है, साथी तौर पे बहुत बार हुआ है कि आपको जो आप आपके ख्याल में जो इमेज है वो आप ट्रांसलेट ना करें, वो तो बहुत मौके पे क्या होता है, डिसार्ट होते हैं या फिर इनकरेज होते हैं कि नहीं, इनकरेज तो होना पड़ता है इसलिए, वरना वो फिर अगर समझे आपने किसी इंसान की तस्वीर लेनी है और वो पर्सनैलिटी को फिर आप राइट ऑफ कर लेंगे वो फिर छोड़ दें, या कोई लोकेशन पे गए हैं और एक बार लोकेशन की तस्वीर ले ली और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप फिर से जाएँ, वैसे ही वो वही होता है कि पर्सनैलिटी को फिर से पकड़ते हैं फिर से करते हैं। तकरीबन आखिरी सवाल, अगर काशिफ और कोई सवाल ना उभरता हो, आपको अपने ऊपर एक किताब लिखनी है, उसका टाइटल क्या रखेंगे आप? टप्पू। चलिए खैर, बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, और ख़ास तौर पर ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कैमरे के पीछे होती हैं, देखिए हम तो रिजल्ट्स देखते हैं, हम देखते हैं क्या अच्छा आ रहा है, इवन जब हम नेशनल ज्योग्राफिक भी देखते हैं तो सारे एक व्यूअर की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन वो जो लोग मेहनत करते हैं उसके पीछे होते हैं, तो जब कभी हम गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है उनकी लाइफस्टाइल का। तो आपके साथ भी मिलकर जो आपके कारनामे माशाल्लाह या जो आपने काम किया है उसके पीछे छुपी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने स्क्रीन पर रंग बिखेर दिए माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिनको ऑन स्क्रीन होना चाहिए वो ऑफ स्क्रीन रहकर बहुत अच्छा रहा, और यकीनन पाकिस्तान का ये सबर भी बड़ी चीज़ होती है, रोशन कर रहे हैं और ये सबर बड़ी बात है। अच्छा, तो कैमरे के पीछे बहुत कुछ मिल जाता है ना, इजाज़त चाहते हैं आपसे, देखते रहिए।